60 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। मेरे विचार से चीज़ों में मिलावट पूंजीवाद समाज का अभिशाप है। पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े धन्ना सेठ व्यापारी और गल्ला चोर हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसके कारण जनता को चाहे जो भी नुकसान हो वह मर जाए या जिंदा रहें, इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी समाजवादी देश में मिलावट की बात नहीं है। मैंने स्वयं एक देश में जाकर देखा है कि वहाँ सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं, यद्यपि मिलावट पूंजीवादी समाज का अभिशाप है। लेकिन पूंजीवादी समाज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास होना चाहिए और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बिल में समिति का उल्लेख है। सरकार ने उसमें कई तरह के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश की है। होटल उद्योग के प्रतिनिधि को भी उसमें लिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया। मंत्री महोदय ने उनको क्यों भुला दिया है? ये लोग मिलावट को रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। वे मालिकों के गलत काम को रोकेंगे, इसलिए उनके प्रतिनिधि को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ तक नमूने का संबंध है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि हर चीज के 3 नमूने लिए जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। देश की जनता जल्द ही कोरोना को समझकर उसके साथ जीना शुरू करते।